मेरा नाम मोहम्मद तारिक अमीन है, मैं AMU से फारिग हूँ। 1980 या 82 के बीच में मैं दिल्ली आया और तब से मैं इस्लामिक सेंटर की जगह को भी देख रहा हूँ और यहाँ के कामों को भी देख रहा हूँ। उस वक्त चौधरी आरिफ साहब और सैयद हामिद साहब के साथ मैं वहाँ पे जाया भी करता था और उनके साथ AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के सिलसिले में, जिसका मैं उस वक्त मेंबर था और एग्जीक्यूटिव था, उस वक्त मैं उसमें मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा था। उसके बहुत सालों के बाद फिर एक दूसरा साथ हुआ जब यहाँ पे बिल्डिंग का काम शुरू हुआ। उसको मूसा रज़ा साहब, मलिक जहीन साहब जो मेरे चचा हुआ करते थे, और चौधरी आरिफ साहब और जो लोग भी थे, उन्होंने उसको शुरुआत किया। ये दूसरा दौर था जिसमें बिल्डिंग बन कर के आई लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, फिनिश नहीं हुई। एक बहुत ज़रूरी इस वजह से है कि हमें इस बार ऐसी टीम को लेके आना है इसके सिले में जो इसको बचा भी सके, खास ये नहीं कि सिर्फ चला सके, बेहतर तरीके से काम कर सके, लेकिन इसको बचा भी सके। इसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। और इस सिलसिले में जो आसिफ हबीब साहब जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उनकी जो टीम है, उनका जो पैनल है, उनको देखने के बाद ये लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो सकेगा। इस मौके पर आसिफ हबीब एंड टीम को और उनके पैनल को पूरे का पूरा वोट देना चाहिए और जिता के लाना चाहिए। मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव के लिए मैं भी एक उम्मीदवार हूँ। मेरा बैलेट नंबर 14 है और मैं आपसे अपने और पूरे पैनल के वोट के लिए गुजारिश करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप आसिफ हबीब की इस टीम को, इस पैनल को वोट दें, सपोर्ट करें और हमें काम करने का मौका दें।